हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बनाएंगे एक एलईडी बोर्ड जिसमें एलईडी स्ट्रिप यूज़ की है, न्यून लाइट 12 वोल्ट की। और इसको कैसे बनाना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इसमें लास्ट में रिपेयर लिखना है, तो कैसे रिपेयर लिखना है आप देख सकते हैं। इसमें इसके बैक साइड पर मैंने इसके कनेक्शन किए हैं सारे। और पहले हम शीट को नाप लेंगे कि हमारी हाइट शीट की कितनी है। 5 इंच के करीब हाइट है और चौड़ाई जो है 21 इंच के करीब है। तो हमने ये पहले देख लेना है कि जो हमने रिपेयर इसके ऊपर लिखना है वो कितने लेटर्स में है। हम 3 इंच का एक लेटर्स भी लिखेंगे तो 6×5=30। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिपेयर लिख के एक बार। हमारे जो आई है, आई तो 1 इंच में ही आ जाएगा, बाकी जो नंबर हैं रिपेयर में 1, 2, 3, 4, 5 पांच जो अक्षर हैं, 3-3 इंच के भी लिखेंगे तो 3×15। और आई जो है 1 इंच लेगा 16, और इनके बीच में 1-1 इंच का स्पेस डलेगा 1, 2, 3, 4, 5 5 इंच तो स्पेस ही ले जाएगा इनमें 1-1 इंच का, तो 16 और 5 21। तो 21 इंच विड्थ में हमारा अगर 3-3 इंच का हम लेटर रखेंगे तो पूरा आ जाएगा रिपेयर लिखा हुआ। और हाइट इसकी कितनी रखनी है, हाइट हम इसकी 4 इंच हम इसकी हाइट रख लेंगे, क्योंकि हाइट ऊपर को 5 इंच का स्पेस है, तो 4 इंच लेटर रख लेंगे। 4×3 इंच का हम इसमें लेटर बनाएंगे, और हर लेटर के बाद हम इसमें 1-1 इंच का बीच में स्पेस देने वाले हैं 1-1 इंच का। और यहाँ मैंने शीट के ऊपर पेंसिल से 3×4 इंच का साइज़ अलग अलग बना दिए हैं, स्क्वायर बना रखे हैं जैसे 3×4 इंच के। तो उसके अंदर अंदर मैं लेटर जो है ड्राइंग कर लूँगा पेंसिल के साथ। इसमें इसलिए ड्राइंग कर रहा हूँ कि मैं जब इसके ऊपर न्यून लाइट चिपकाऊँगा तो जो ड्रॉ करी हुई पेंसिल का निशान है इसके ऊपर ही लाइट चिपका दूँगा मैं, ताकि हमारा जो लेटर है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो सीधा चिपकेगा बिल्कुल। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट सोल्डरिंग करने के लिए कनेक्शन बने हुए हैं। यहाँ से सप्लाई इस लाइट को जाती है। और इसको न्यून लाइट को चिपकाने के लिए जो रबड़ है इसमें हमने फेविक्विक यूज़ करी है। फेविक्विक का ये है कि जहाँ आप लगाते जाएंगे लगाते लगाते हाथों हाथ ये सूखती रहेगी, ज़्यादा इधर पकड़ के नहीं रखना पड़ता, हल्की सी आप लगाए जाएं और साथ साथ ही ये फिक्स होती रहेगी लाइट इसमें। और जैसे कि मैंने इसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर रखा था पहले ही, तो उसी पेंसिल के निशान पर ही मैं इसमें
ग्लू लगा के चिपका दूंगा फेविक्विक लगा के। और जैसे कि हमारा यहाँ पर आर बन गया है तो इसको कटिंग करेंगे, तो कटिंग ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप कर दो, यहाँ पर ब्लैक निशान देख रहे होंगे, ब्लैक निशान एक एक इंची पे, उस ब्लैक निशान को ही काटना है, ब्लैक वाले लाइनिंग से काटनी है ताकि स्ट्रिप कहीं बीच में से ना कटे। यहाँ आप देख सकते हैं कि
कनेक्शन है प्लस माइनस के, इसको मैं सोल्डरिंग कर दूंगा थोड़ी सी, और इसके ऊपर वायर लगा देंगे। यहाँ मैंने जो है सोल्डरिंग कर दी है, और यहाँ वायर लगा देंगे छोटी छोटी, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, इससे जो है चेक हो जाएगी लाइट जो है ठीक है चल रही है। बस ये कि 9 वोल्ट से थोड़ी डिम चलेगी, जब हम इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो काफ़ी तेज और अच्छी लाइट है इसका। सब में ही मैं ऐसे सोल्डरिंग करके वायर्स वगैरह लगा दूंगा थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ शीट में मैं छोटी छोटी सी मैंने मोरियाँ कर दी हैं, जैसे कि ये मैंने जो सोल्डरिंग की थी ब्रीक वायर कनेक्शन किए थे इस लाइट पे, वो नीचे के साइड निकाल दूँगा। जैसे कि यहाँ इसके बिल्कुल जो है जहाँ से तार निकालनी है उसके पास ही बिल्कुल मैं मोरी करके उसको बैक साइड निकाल दे रहा हूँ, ताकि सोल्डरिंग होकर बैक साइड से सोल्डरिंग हो जाए सारी वायर में, और फ्रंट पे जो वायर है वो देखेगी नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसकी वायर सारी बैक साइड कर दिया, जो कि फ्रंट पे कोई तार नहीं दिख रही इसकी। अब जो बैक साइड से हम इसके कनेक्शन करेंगे, तो डबल कलर की मैंने वायर लगाई थी इसमें, जो अर्थ की माइनस की वायर थी उस पर मैं एक लंबी वायर लेके सब सारे लेटर्स की जो माइनस वायर है एक वायर में कनेक्ट कर दूंगा माइनस में। माइनस वायर जो है मैंने सारी कनेक्ट कर दिया माइनस पे, और अब मैं प्लस वायर जोड़ रहा हूँ, जो कि सारे लेटर की प्लस वायर निकली हुई है बैक साइड पे, उस पर मैं एक वायर से सब पे कनेक्शन कर दूँगा। और
प्लस और माइनस वायर जो है मैंने लगा दिया। अब जो है माइनस और प्लस वायर को मैं क्या करूँगा कि प्लस माइनस देने के लिए इसको इसके ऊपर वाली प्लस से प्लस मिला दूंगा और माइनस से माइनस मिला दूंगा, ताकि ऊपर वाले जो लाइटर हैं सेंटर वाले, जब वो लाइटर लाइटर पर जो है सप्लाई दूंगा मैं 12 वोल्ट की, तो नीचे वालों को भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाए। और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको ऑन करके देखेंगे, ये देख सकते हैं आप जो हमारा LED बोर्ड है वो तैयार हो चुका है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंट्रास्ट इसका काफ़ी तेज है और नाइट में भी ये अच्छा लगेगा और दिन में भी आप इसे चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा दिन में भी, और रात के टाइम तो ये काफ़ी दूर तक जो है दिखाई देगा इसके कनेक्शन देख सकते हैं जैसे कि मैंने किए थे माइनस में एक वायर लगा दी थी सारे माइनस में, फिर एक वायर लेके प्लस वाली सारे लेटर्स की प्लस में लगा दी थी, ताकि हम जब इसे 12 वोल्ट दें तो सारे लेटर्स में 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंच जाए। और अब हम इसे थोड़ा सा वाटरप्रूफ करेंगे जहां से हमें लगता है कि इसके अंदर पानी जा सकता है, जैसे कि ये जहां से हमने काटी थी लाइट, काटने के बाद वहां से जो गैप रह गया था हल्का सा, जहां हमने मतलब के कनेक्शन किए थे सोल्डरिंग की थी उस जगह से जो है गैप रह गया था और सोल्डरिंग भी दिख रही है, उस जगह से हमने क्या किया है कि थोड़ी सी ग्लू स्टिक, ये चाइनीज़ ग्लू होती है आपको पता ही होगा, तो इसको ग्लू को गर्म करके थोड़ा सा मैंने इधर लास्ट में जो है कॉर्नर पे लगा दिया जहाँ से हमने स्ट्रिप को कट किया था, ताकि जो है उसका मतलब कि पानी ना उसके अंदर जाए कहीं से, बारिश का अगर बाहर लगाते हैं हम बोर्ड को तो। और हर जगह जो है मैंने कॉर्नर पे जो है यहाँ ग्लू लगा दी है अच्छी तरह से, जहाँ से पानी जाने का रास्ता था वहाँ से मैंने ग्लू लगा के बंद कर दिया सारा, ये देख सकते हैं आप। LED बोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ हम वीडियो क्लोज़ करते हैं। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।